वेलकम टू माय चैनल एपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 80, जहां पर नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को जो पार्ट हुआ करता था वो हमारा क्या होता था, इम्परेटिव सेंटेंस होता था। यानी इसकी शुरुआत कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई थी और कभी हम लोगों ने देखा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, डोंट से हुई थी। बट फ्रेंड्स, आज की बात करें तो आज हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, डू से। आप ध्यान से देखिए कि तीन एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं और तीनों की शुरुआत कहां से हुई है, डू से। इस डू के ठीक बाद यहां पर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको आपको लिखना होगा। बट फ्रेंड्स, क्या कभी आपने माइंड किया कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत डू से होती है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उस काम को आप निश्चित रूप से कीजिए यानी जरूर कीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि टू रीड द रामायण, तो हिंदी क्या होगी कि रामायण जरूर पढ़िए। अगर मैं आपसे कहता टू कंप्लीट योर वर्क, तो हिंदी क्या होगी कि अपना काम जरूर पूरा कीजिए। अगर मैं आपसे कहता टू वॉच दिस मूवी, तो हिंदी क्या होगी कि इस मूवी को जरूर देखो। तो जैसे ही डू का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो इसका मतलब होता है इस काम को जरूर कीजिए, निश्चित रूप से इसको करिए ही। अब उसी में से कुछ एग्जांपल है जिसको मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है, इसी को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हमें वही काम करना है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में देखा था, हमारे सेंटेंस के सेंस को समझना होगा कि आखिर अंदर हो क्या रहे। अगर बात रिक्वेस्ट की जा रही है तो सेट को हमें रिक्वेस्टेड में, अगर बात ऑर्डर की जा रही है तो सेट को हमें ऑर्डर्ड में, अगर बात सजेशन की जा रही है तो सेट को हमें सजेस्टेड में चेंज कर देना होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल जो मैंने लिखा है उसको बना लेते हैं और आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच, विद तीनों सेंटेंस हमारे डायरेक्ट स्पीच के हैं। अगर मैं इसको चेंज करता तो कैसे करता वो देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, डू रीड द गीता, डू रीड द गीता। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि वो सजेशन कह रहा है या फिर वो इस काम को करने के लिए हमसे पूछ रहे हैं, तो आपको माइंड करना होगा अपने सेंस के अनुसार आप जो भी लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ही, और उसके बाद इस सेट टू को किसमें बदल दिया हमने, आज में। फिर क्या रखा मैंने यहाँ पर मी, और इस मी के बाद में देखिएगा इस डू को नहीं लिखना होगा, हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए टू का ही यूज करना है, और उसके बाद क्या लिखना होगा, रीड द गीता। तो अगर मैंने आपसे कहा ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता, या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता था ही सजेस्टेड टू मी टू रीड द गीता, और दोनों ही सेंटेंस हमारे सही माने जाएंगे। चाहे आप वहां पर आज लिख दीजिए और चाहे सजेस्टेड लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स, दो सेंटेंस मैंने आपके सामने और लिख के रखे हुए हैं, इनको भी आराम से समझ लेते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है कि सी सेड टू हिम डू गो बाय बाय। अब ऐसी कंडीशन में देखिएगा कि ये लड़की इस लड़के से बात कर रही है और उस लड़के से कह रही है कि बाइक से जरूर जाओ, यानी वो उस लड़के को क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लें, इसके बाद इस सेट टू को किसमें, सजेस्टेड में बदल देना होगा, तो एस यू डबल जी ई एस टी ई डी। अब यहां पर माइंड कीजिए कि सजेस्टेड के बाद का जो टू होता है वो नहीं हटाया जाता, तो अगर सजेस्टेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो सजेस्टेड और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें टू को लगाना ही पड़ेगा। फिर यहां पर मुझे क्या लिख देना होगा, हिम, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या रखा मैंने, टू, डू को हटा देना है और क्या लिख देना है, गो बाय बाइक। तो आप ध्यान से देखिए कि हमारा सेंटेंस क्या था कि सी सेड टू हिम डू गो बाय बाइक, और इसको मैंने इंडाइट किया तो क्या बना दिया, सी सजेस्टेड टू हिम टू गो बाय बाइक। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और है, माय बॉस सेड टू मी टू वॉच दिस सिचुएशन। तो हमारा जो बॉस है वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे ऑर्डर ही करेगा ना। तो ऐसी कंडीशन में देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, माय बॉस ऑर्डर्ड मी, ओ आर डी ई आर ई डी, माय बॉस ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा, टू लिखा, और उसके बाद वॉच द सिचुएशन। तो आप ध्यान से देखिए कि मैंने यहां पर क्या लिखा है, माय बॉस ऑर्डर्ड मी टू वॉच द सिचुएशन। कहने का मतलब यह था कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर डोंट से हो रही थी तो हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या लिखा था, नॉट टू का यूज किया था। लेकिन अगर उसके सेंटेंस की शुरुआत डू से ही हो जाए तब भी हमें इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए किसका यूज करना होगा, टू का ही यूज करना होगा।
तो हमें अभी भी यही समझना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ऑर्डर किया जा रहा है तो सेट को हमें ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो सेट को रिक्वेस्टेड में, अगर सजेशन दिया जा रहा है तो सेट को हमें सजेस्टेड में बदल देना होगा। बाकी सारी प्रोसेस जो थी वो प्रीवियस लेसन की तरह ही थी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।